अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है, और पार्ट नंबर 1 मैंने किया था, यहाँ पर भी मैंने पार्ट नंबर 1 किया था, पार्ट नंबर 2 आप लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है, या इसमें भी मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 किए थे, पार्ट नंबर 2 और 3 आप लोग होमवर्क दिए थे। तो स्टूडेंट्स, जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं, ठीक है, आज ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगा हमारा। तो आप लोग इस तरह कर ले कि जितने भी मैंने आप लोग को होमवर्क दिए हैं वो कल तक आप आज कर ले और कल तक आप सबमिट कर ले, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको मैं चेक कर लूँगा, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें, और इस तरह ना हो कि जिसकी वो कहे कि सर मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है या मुझे पता नहीं था, तो काइंडली अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें, सॉरी। और जो भी मैंने आप लोग को क्या कहते हैं उसको थ्योरी करवाई है, तो वो थ्योरी आप लोग ना लेंगे, ठीक है, वो बुक में मौजूद हैं, लेकिन जो मैंने आप लोग को एक्सरसाइज करवाए हैं, ठीक है, वो आप लोग क्या कर ले, वो आप लोग लिख ले अपनी कॉपियों में, ठीक है। और इंशाल्लाह आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या कहते हैं, देखें कि यू इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स 1 और 10 के दरमियान है, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। आप लोगों ने सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, मतलब यू यूनिवर्सल सेट जो है वो कौन से नंबर से, एक्स नेचुरल नंबर हैं, और कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और इसके दरमियान भी हो सकते हैं। ए कौन से नंबर है, ए में हमारे पास ऑड नंबर है, ये देखिए ऑड, और कौन से ऑड नंबर है जो 1 भी हो सकते हैं और 10 से 1 और 10 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं, ये मतलब क्लोजर सेट है, ठीक है, मतलब 1 भी इंक्लूड है और 10 तो ऑड नंबर नहीं है लेकिन 10 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, 1 और 10 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर है वो हैं। और यहाँ पर क्या है, बी में हमारे पास, बी में भी ऑड नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें ये देखिए ये नीचे ये जो लाइन दी गई है यहाँ पर, इसका मतलब है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब या तो एक्स इक्वल होगा 1 या इसे ग्रेटर होगा, और एक्स इक्वल होगा 10 या इससे कम होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है, क्या है, स्ट्रिक्टनेस ये दी गए हैं कि एक्स की जो वैल्यू है ये ना तो 1 भी हो सकती है ना 10 हो सकती है, ये इन दोनों के दरमियान हो सकती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम u की वैल्यू लिखते हैं। u की वैल्यू क्या है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है और 1 से ग्रेटर 10 तक जा सकती है, ये 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या बनी, 1 से लेकर 10 तक। अब a की वैल्यू क्या बनी, a ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 1 से या 1 से ग्रेटर, 10 से या 10 से लेस, ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 10 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 10 ऑड नंबर नहीं है। और b में क्या लिखा है, b में लिखा है कि ये 1 से ग्रेटर और 10 से लेस ऑड नंबर है, तो 1 से ग्रेटर ऑड नंबर कौन से है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ पे करना है, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है, देखें ज़रा ऊपर, ए की वैल्यू है ये 1, 3, 5, 7, 9, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9, और इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3,
5, 7, 9 आएगा, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो कंप्लीमेंट में आप लोग को फार्मूला बताया था कि यू से उस चीज़ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो यू से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करते हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर -, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ये है 3, 5, 7, 9। जब यू से 3, 5, 7, 9 माइनस कर दे, 3, 5, 7, 9 माइनस कर दे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। तो ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर दोनों का यूनियन करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए, तो यू की वैल्यू है 1, 2, अप टू 10, और माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है 1, 3, 5, 7, 9। अगर 1 से लेकर 10 तक आप ऑड नंबर निकाल दे तो कौन से नंबर बचते हैं, इवन नंबर बचते हैं ना, तो इवन नंबर लिखते हैं। तो ये ए कम्प्लीमेंट बना। अब बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, बी कम्प्लीमेंट तो बी कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी के, तो यू की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू 10, माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9। अब 1 से लेकर 10 तक 3, 5, 7, 9 निकाले तो क्या बचेगा, बचेगा 1, 2, 4, 6, 8 और क्या कहते हैं 10 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब स्टूडेंट्स, हमने ए कम्प्लीमेंट में निकाला, बी कम्प्लीमेंट में निकाला, अब क्या कर ले, दोनों का यूनियन ले ले। तो दोनों का यूनियन किस तरह लेंगे, देखें स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1, 2, 4, 6, 8, 10। इन दोनों को कंबाइन कर ले तो ये आएगा क्या, 1, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये देखिए, ये राइट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड भी है 1, 2, 4, 6, 8, 10, राइट हैंड साइड भी है 1, 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन सॉरी बी कम्प्लीमेंट। तो यह डिमांड का लाता, ये प्रूफ हो गई। स्टूडेंट्स, ये आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इंशाल्लाह कल हम वेन डाइग्राम करेंगे। अब ये जो चैप्टर हैं, ये वो एक्सरसाइज 1.1, ये आप लोग कॉपी में लिख लें और कल ले आए ताकि मैं इसको क्या कर दूँ, चेक कर लूँ। शुक्रिया।